एवरीबडी, वेरी वॉर्म वेलकम टू माई चैनल। एंड मैंने आप लोग हमेशा पूछते थे कि मैम जीटी कब कराओगे, जीटी कब कराओगे, जनरल टेस्ट की प्रेपरेशन कैसे करेंगे। तो मैं आपको हमेशा बोलती थी, एज प्रोमिस्ड, हम लोग जो है जीटी की प्रेपरेशन आज से शुरू कर रहे हैं। ओके, सो आई रियली होप दैट एवरी वन ऑफ यू पीपल आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज हम जो है वी आर स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग जीटी। तो आप लोग जो है सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत छोटा वीडियो रहेगा जहाँ पे हम लोग जो है हर चीज डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग रिलेटेड टू जीके, करंट अफेयर्स, जो जो आपके 2022 में क्वेश्चंस आए थे, कैसे आए थे, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको जीटी के अलावा, इफ यू वांट टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर योर डोमेन्स, अगर आपको डोमेन्स के लिए पढ़ना है, तो आई वुड ऑनेस्टली सजेस्ट कि आप लोग जो है केडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। केडब्ल्यू ऐप लाइव जा चुका है, जिसमें दिस इज वन ऐप जहां पे आपके सीयूईटी 2023 के सारे सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस ऐप के अंदर जो है आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज, ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपके डोमेन्स को कंप्लीट करवाते हैं। ये सारे कोर्सेज आपके डोमेन्स को कंप्लीट करवाएंगे, मे इट बी पॉलिटिकल साइंस, मे इट बी हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ऑल इन वन बैच, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड जॉब एंड सोशियोलॉजी तीनों चीजें रहेंगी। तो अगर आपको अपने डोमेन्स प्रिपेयर करने हैं, तो आई थिंक यू शुड एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ केडब्ल्यू फैमिली। जल्दी से आपको डाउनलोड कर लीजिए और आप जो है ये सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जीटी में आपको यहां पे करवाऊंगी, और मैं आपको जीटी केडब्ल्यू ऐप में भी करवाऊंगी, बट वो मैं नवंबर से स्टार्ट करवाऊंगी, जो फुल फ्लेजेड जीटी होगा हमारा। लेकिन अभी जो है डोमेन्स हम फुल फ्लेजेड तरीके से कर रहे हैं, हर चीज को थ्योरी वाइज भी समझ रहे हैं, और इसको हम लोग जो है एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से भी सोच रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, मतलब 2022 सीयूईटी के क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट बिगिन विद द सेशन। जनरल टेस्ट का आज हम प्रिपरेशन करेंगे। आई वुड ऑनेस्टली सजेस्ट, ये वीडियो छोटा रहेगा, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन, अगर आप इसको किसी पीस ऑफ पेपर या फॉर दैट मैटर किसी रजिस्टर रफ नोटबुक में लिख लें, तो इट विल बी अमेजिंग फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। करंट अफेयर्स एंड जीके जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने बेसिकली, मैंने जो शुरुआत करी है, मतलब आपको जो जो मैंने स्टार्ट किया है, वो बहुत बेसिक लेवल से है। मतलब आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट द बेसिक बेसिक थिंग्स एंड क्या क्या चीजें आपके 2022 में आई थी जीके की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, करंट अफेयर्स और जीके लगभग लगभग 20 से 25 नंबर का आएगा इस बार के हिसाब से, जो 2022 में आया था, इस बार के हिसाब से जो है जीके या करंट अफेयर्स जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 to 25 मार्क्स का आएगा, जो बहुत ज्यादा नंबर है। इसको हमें जो है इसके ऊपर हमें पकड़ बनानी पड़ेगी। ओके, आप सब लोगों को पता है कि जीटी में टोटल 75 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से हमको 60 अटेम्प्ट करने हैं, और 60 में से भी करंट अफेयर्स और जीके में से 20-25 सेशन मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो आए हैं, मतलब 20-25 क्वेश्चंस आए हैं। तो इसका मतलब है कि भैया इसकी बहुत वेटेज है। तो चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। सबसे पहले तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके 2022 में आए हैं, जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, कौन कि आपसे पूछा गया कि यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है, तो यूएसए के प्रेसिडेंट तो सब लोगों को पता है, जो बाइडेन है, ठीक है। रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, ये भी आप लोगों से जो है 2022 के अंदर पूछा गया था, तो एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट दिस, दैट इज व्लादिमीर लेनिन। श्रीलंका में आप सब लोगों को पता है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई थी, और उसके बाद फिर राजापक्सा जी के बाद एक नए प्रेसिडेंट जो है वो श्रीलंका में आए थे, तो उससे भी एक सवाल पूछा गया। तो भैया करंट अफेयर्स अपनी यू हैव टू मेक इट टॉप नॉच, ओके। तो उससे भी एक सवाल पूछा गया कि कौन अब फाइनली इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट श्रीलंका के, सो दैट इज रानिल जी। तो वो भी आप लोग, इनका इट इज विक्रमसिंघे, तो आप इनका जो है इनका सरनेम और इनका नाम, इनकी स्पेलिंग जो है वो याद रख सकते हैं। इंडिया के अभी रिसेंटली इंडिया की जो प्रेसिडेंट है वो चेंज हुई है, ओके, सो इट इज द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो इंडिया की प्रेसिडेंट बनी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सीयूईटी 2022 के अंदर आए थे, ठीक है। उसके अलावा जो है देर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर्स, ओके, कौन से स्टेट के कौन से चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिसके चीफ मिनिस्टर्स आपसे पूछे गए थे, ठीक है। जैसे तुम्हारी मध्य प्रदेश हो गई, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पूछे गए थे, करंट चीफ मिनिस्टर कौन है। बिहार के पूछे गए थे, उत्तर प्रदेश के पूछे गए, राजस्थान के पूछे गए थे, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स पूछे गए। तो इसका क्या मतलब है कि तुमको भैया हर स्टेट, मतलब अगर हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं,
ठीक है, वो भी मैं आगे कराऊंगी, टेंशन मत लो। बट अभी जो हमने प्रीवियस ईयर मतलब 2022 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो देख लीजिए। मध्य प्रदेश के कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी, बिहार के नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, राजस्थान के अशोक गहलोत जी एंड अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू। ओके, तो ये सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं। ये पिछले साल मतलब इसी साल 2022 के अंदर जो है आप लोगों से इसके जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये कुछ और प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे आपसे पूछा गया था सबसे पहली चीज कि ट्विटर के सीईओ कौन है, ऐसे ही पूछा जा सकता है। फेसबुक के कौन है, या फॉर दैट मैटर आपसे पूछा जा सकता है कि किसी फॉर दैट मैटर किसी चीज के भी सीईओ कौन है। तो जो सीईओ है ट्विटर के, दैट इज पराग अग्रवाल। ओके, ही इज द सीईओ ऑफ ट्विटर। ओके, उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि मुद्राक्ष जो किताब है उसके ऑथर कौन है, तो इट इज विशाखा दत्ता। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे। उसके बाद फिर लार्जेस्ट रिवर इंडिया की कौन सी, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर तुमको आते हैं तो आते हैं, नहीं तो नहीं आते। ओके, सो लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दिस थिंग, इट इज गंगा। ओके, उसके बाद चेयरमैन जियो के चेयरमैन कौन है, कौन है, कौन है? जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी है, आकाश अंबानी जी। अभी आपको याद होगा कि शिंजो आबे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई थी ड्यूरिंग गिविंग स्पीच, जब उनको ही उस शॉट, सो इवेंचुअली उनके ऊपर एक सवाल पूछा गया, ठीक है, उनके ऊपर एक क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा गया कि जो जापान के प्राइम मिनिस्टर जो रिसेंटली डाई जिन जिनकी डेथ हुई है वो कौन थे, तो दैट वाज शिंजो आबे। ओके, तो ऐसे सवाल आपसे पूछे गए। और कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए कि जैसे सिक्स्थ क्वेश्चन, विच स्टेट हैज फर्स्ट मंकी पॉक्स केस इन इंडिया। आपको पता है मंकी पॉक्स फैल रहा है, तो ये सवाल पूछा गया था 2022 सीयूईटी के अंदर कि मंकी पॉक्स जो है वो कौन सी स्टेट में सबसे पहले पाया गया, सो दैट इज केरला। ओके, इंडिया के अंदर। उसके बाद फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इन विच ईयर आरबीआई को कौन से ईयर में स्टैब्लिश किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ भैया, सो इट इज 1935। ऐसे पूछा जा सकता है इलेक्शन कमीशन कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ, सुप्रीम कोर्ट कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो वो क्वेश्चन है जो हम जो इस बार पूछे गए हैं और अगली बार पूछे जाने के चांसेस हैं। मैं अभी आपको सिर्फ अवेयर करवा रही हूँ कि जीटी में आपसे कैसे सवाल करंट अफेयर्स जीके में पूछे जाएंगे। ओके, उसके बाद फिर हु इन्वेंटेड जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को किसने इन्वेंट किया, तो इट वाज साइमन कुजनेट्स। ओके, तो जीडीपी जो है उसको किसने इन्वेंट किया, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। उसके बाद और आप सब लोगों को पता है कि आप ऐसी कोई भी आंसर नहीं लिख के आ सकते हो, क्योंकि यू नो दैट देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, एक नंबर आपका कटता है अगर आप गलत नंबर गलत लिख के आते हो। एक तो आप गलत कर रहे हो तो आपके 5 नंबर तो वैसे ही गए, और उसके बाद आप एक क्वेश्चन को छोड़ रहे हो तो आपके 5 नंबर वैसे ही गए, उसके बाद फिर आप गलत भी कर रहे हो तो आपका -1 मतलब -6 हो गए आपके। ओके, उसके बाद एडिडास जो ब्रांड है आप सब लोग पहनते होंगे एडिडास, तो जो एडिडास ब्रांड है उसके एम्बेसिडर कौन है, तो दैट इज मनिका बत्रा। ओके, एम्बेसिडर मतलब जो इंडोर्स करते हैं इस ब्रांड को, दैट्स मनिका बत्रा। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, ये मेरे पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों को पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, 65 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 65 में स्टार्ट हुआ था, और कौन कौन से रीजन में स्टार्ट हुआ ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो भैया सिर्फ और सिर्फ आपके जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो प्रॉस्परस रहा सिर्फ पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते। तो चलिए आते हैं और डिस्कस करते हैं एमिनेंट पर्सनालिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एमिनेंट पर्सनालिटीज में सबसे पहले ये कौन है जी, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। ये प्राइम मिनिस्टर थे देश के 2019 से, हैं देश के 2019 से लेके 2024 में, फिर 2024 में फिर से नए इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे। शी इज द वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ओके, द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी जो है शी इज अ फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है ये देश की, और सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, प्रतिभा पाटिल जी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। उसके बाद ये जगदीप धांकर जी हैं, जगदीप धांकर जी जो है वो 14th वाइस प्रेसिडेंट है। इससे पहले हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे, इससे पहले हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी थे। ठीक है, उसके बाद फिर ये कौन है जी, उदय उमेश ललित जो है वो सीजीआई है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं, इंडिया के 49th चीफ जस्टिस हैं ये, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से 49th चीफ जस्टिस हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स आप लोगों को बता रखे हैं, ये बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैबिनेट मिनिस्टर्स से आपकी मैच द फॉलोइंग आई थी पिछले एग्जाम में, मैच द फॉलोइंग आई थी कि आपको स्टेट का नाम एक तरफ दे दिया था, कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम एक तरफ दे दिया था, और आपको मैच करना था कि कौन सी स्टेट का कौन सा कैबिनेट, मतलब बेसिकली कौन सी, मतलब
कौन सी पर्टिकुलर एरिया का कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर है. ओके सो जो आपके श्री राजनाथ सिंह जी हैं वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, अमित शाह जी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन हैं, श्री नितिन जयराम गडकरी जी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज. ये लिखना पड़ेगा और इसको याद करना पड़ेगा, देर इज नो अदर वे आउट. फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो है वो निर्मला सीतारमन जी हैं. ठीक है, उसके बाद जो है मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद आपके श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं. उसके बाद डॉक्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं वो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर्स हैं. श्री अर्जुन मुंडा जी जो हैं वो ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर्स हैं. दिस यू हैव टू लर्न एनी हाउ. उसके बाद श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप. डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. श्री गिरिराज सिंह जो है वो रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज. श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो है वो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं. ये लिखना पड़ेगा और इसको लर्न करना पड़ेगा एवरीवन. ओके श्री भूपेंद्र यादव. और अगर आप अभी से शुरू करेंगे ना तो आपको आपको रियलाइज नहीं होगा कि कैसा हुआ प्रोसेस. अगर आप सिर्फ लास्ट के 2 महीने स्टार्ट करोगे तो कुछ नहीं लर्न होने वाला, इनफैक्ट पैनिक ही बढ़ेगा. और उसके बाद श्री भूपेंद्र यादव जी ही इज द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड हस्बेंड्री एंड डेयरी एनिमल इन सब चीजों में. श्री जी किशन रेड्डी ये मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. तो ये जो है सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं. आई रियली होप कि आज का सेशन जो है वो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा हो. अगले सेशन में हम लोग बहुत सारी डिटेल में चीज़ें जो है वो समझेंगे इसको. जो है हम लोग और ज़्यादा, ये थोड़ा सा इनिशियल स्टेप है, थोड़ा सा आसान था, अगले में थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा. तो धीरे धीरे करके इसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज करेंगे. अभी के लिए इसको आप लोग, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. CUET 2023 की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं कंप्लीट करवाऊंगी आप लोगों का. एंड साथ ही साथ जो है प्लीज मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग द वीडियो एज लॉन्ग एज यू गाइस कैन. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, इट जस्ट मोटिवेट्स यू नो, सो डू लाइक द सेशन. थैंक यू.